हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं आशु ठाकुर, द्वारका होम्स में आप सबका स्वागत करता हूँ। बहुत ज़्यादा प्यार आप देते रहते हो, तो आज आपके लिए आया हूँ सस्ता लाओ सस्ता लाओ। तो आप सस्ता ले आया हूँ, द्वारका एक्सप्रेसवे पे देख सकते हो, ROF रॉफ आलियास करके ये प्रोजेक्ट है और रेडी टू मूव प्रोजेक्ट है। ऐसा भी नहीं कि आपका पैसा लगेगा, कहीं डूब जाएगा, कहीं कुछ, वो वाला काम तो मैंने आज तक किया ही नहीं, ना कभी करूँगा। तो बिल्कुल रेडी टू मूव प्रोजेक्ट है, लोग रह रहे हैं। ये कम्युनिटी हॉल भी देख सकते हो, ये बैडमिंटन कोर्ट है इसमें, तो इसमें लोग रह रहे हैं। इसमें 1 BHK भी है, 2 BHK भी है, तो और इसमें ये मार्केट भी है। तो ऐसा भी नहीं कि आपको सारी, आप देख सकते हैं सारी चीज़ों की आपको शॉप्स खुली हुई हैं, बिल्कुल रेडी। बिल्कुल द्वारका एक्सप्रेसवे है, एक दूसरा यहाँ पर पेरीफेरल रोड है द्वारका एक्सप्रेसवे के अपोजिट, तो वही पेरीफेरल रोड है। ये भी मानेसर तक जाता है, यहीं पर है, 102 सेक्टर गुड़गांव में। तो ये आप सोसाइटी का एक बार ओवरव्यू ले लो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो मैं आशु ठाकुर, द्वारका होम्स में आप सबका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करूँगा आप सब बहुत अच्छे हो गए। तो आज आपके लिए आया हूँ एक सस्ता, जिसको लोग कह रहे थे कि कुछ सस्ता भी लाया करो, क्योंकि द्वारका तो हो गया है बहुत महंगा। तो आज मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे गुड़गांव में अफोर्डेबल होम दिखाऊंगा। इसमें 1 BHK भी हैं और 2 BHK भी है। तो 2 BHK के 2 साइजेज़ होते हैं, एक छोटा एक बड़ा, वो भी दिखा दूंगा। ये 1 BHK का फ्लैट है, इतनी अमेजिंग बालकनी के साथ आपको ये फ्लैट मिलेगा। और 1 BHK है, ROF रॉफ अफोर्डेबल होम, आप ये देख सकते हो। और ये सोसाइटी का पहले व्यू देख लो, प्रॉपर सोसाइटी मिलेगी। जो लोग कंजस्टेड कॉलोनीज़ में नहीं रहना चाहते हैं और प्रॉपर सोसाइटी में रहना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। कम बजट में इस टाइप की सोसाइटी अगर आप द्वारका में देखते हैं तो बहुत ही कॉस्टली फ्लैट्स होते हैं, पर इसमें आपको मिल जाएगा पूरी सोसाइटी का फील। आप ये देख सकते हैं, पूरी सोसाइटी इस टाइप से देख सकते हैं। ये आपको पूरी बड़ी बालकनी मिलती है, ये देख सकते हैं। तो जो लोग पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये पीछे आप देख सकते हैं मेन रोड, तो बिल्कुल रोड पे ही है। अदरवाइज़ अफोर्डेबल होम्स क्या होते हैं, ज़्यादातर थोड़े अंदर की तरफ होते हैं रोड से, बट ये सामने रोड है। ये आपकी यहाँ से गेट है, गेट सामने ही है, गेट से एंटर करते ही आपकी 1 BHK 2 BHK हैं, ROF। तो ये गुरुग्राम में है, गुड़गांव, द्वारका एक्सप्रेसवे के बिल्कुल पास में। और अच्छी फ्लैट दिखाऊंगा आपको, एक अच्छा फ्लैट। तो ये इसकी इतनी बड़ी बालकनी मिलती है, जो आपको द्वारका के 1 BHK में तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। इसकी बालकनी देखो, काफ़ी बड़ी बालकनी मिलती है। और गाइस, ये इसमें यहाँ से आप एंटर करते हो, लिफ्ट लगी हुई है, तो सोसाइटी में लिफ्ट के साथ है, पार्किंग मिलती है, लिफ्ट है। और यहाँ से आप देखते हैं, इसमें ये आपका एंट्रेंस, एंटर करते ही आपको ये मिलता है ड्राइंग रूम, ड्राइंग कम किचन। तो किचन इस तरह से ओपन मिलेगी आपको, ये देख सकते हैं, ये पूरा आपका लिविंग रूम, किचन इस तरह से छोटी ओपन ड्राइंग रूम में ही। ये आपको वॉशरूम मिलता है, तो ये आपका एक वॉशरूम इस टाइप से देख सकते हैं। तो ये एक वॉशरूम मिलता है यहाँ पर। और ये लिविंग रूम देखने के बाद यहाँ पर आपको विंडो मिल जाती है, वेंटिलेशन का इशू नहीं है। उसके बाद मिलता है ये रूम। मोस्टली जो 2 BHK होते हैं उसमें, जो अफोर्डेबल होते हैं मोस्टली, उसमें 2 BHK ज़्यादा होते हैं, बट इस वाली सोसाइटी में आपको 1 भी मिल जाएगा और 2 भी। तो ये बेडरूम साइज़ है, तो इसका साइज़ देख सकते हो, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, लगभग 2, 4, 6, 8, 10, 11, 11.5, 11.5 x 10 का ये रूम साइज़ है, 11.5 x 10। तो सफिशेंट साइज़ में आपको ये रूम मिलता है। तो इस रूम का साइज़ देख सकते हो, यहाँ पर आपको वार्डरोब मिली हुई है और भी स्पेस इसमें मिल जाता है। यहाँ पर आप अपना TV यूनिट लगा सकते हो, या किसी को वार्डरोब लगा अपनी बनानी है, जो भी जिस भी तरह से इसको यूज़ कर सकते हो, तो वार्डरोब भी बन सकती है, TV भी लगा सकते हो। तो एक वो आपको टॉयलेट दिखाया था, ये वॉशरूम है इसमें। तो वॉशरूम सेपरेट है इसमें, नहाने का बाथिंग एरिया आपका बिल्कुल सेपरेट है और वो टॉयलेट यूज़ कर सकते हो। बालकनी मैंने आपको दिखा दी है, एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ। तो ये 1 BHK का फ्लैट है और ये देख सकते हैं। सो इधर मैं आपको बात करूँ प्राइजेस की, तो 1 BHK जो है वो आपका 20 लाख से 35 लाख रुपए तक के इसमें 1 BHK हैं, 32 लाख रुपीस 1 BHK इसमें, 32 लाख रुपीस से लेके और आपके 35 लाख रुपीस तक है, 32 से 35 लाख रुपीस। और आप यहाँ पर अगर देखेंगे कि इसमें भी इस बालकनी के साथ साथ ये स्पेस और मिलता है इसमें, ये देखो। तो ये जो अलग से स्पेस है, इसको आप स्टोर की तरह यूज़ कर लो इसमें, या अपना वॉशिंग मशीन रख लो। तो ये बालकनी बहुत बड़ी है, कईयों को लगेगा ड्राइंग रूम छोटा है, बट बालकनी इसमें बहुत बड़ी, बालकनी इसमें बहुत बड़ी मिल जाती है आपको, इतनी बड़ी बालकनी मिलती है, आप देख सकते हो।
काफी। इसमें कुछ फ्लैट्स में बालकनी छोटी है, कुछ में बड़ी है, तो ये बड़ा वाला फ्लैट है, तो ये देख सकते हो आप।